अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे पास मस्जिद तकिया मुग़ल फ़कीर शमशीरगंज जहनुमा में नमाज़ ईदुल अज़हा अदा की गई। अल्लाह के बड़े फ़ज़ल व करम से बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे अली भाई साहब क्राइम टुडे चैनल चलाते हैं, वो आए हुए हैं तो कुछ दो चार बातें कहने के लिए मुझे कह रहे थे। मैं आप हजरात की जो हाजरीन है, नाजरीन है, टीवी पर चैनल पर मुझे देख रहे हैं, मैं इंतज़ामिया की जानिब से, मेरी जानिब से आप सब की खिदमत में ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में क़ानून का की हिदायत पर अमल करते हुए नमाज़ ईद उल अज़हा ठीक 10:30 बजे अदा की गई। और मैं फिर एक मर्तबा इंतज़ामिया की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आप हजरात से पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि क़ुरबानी के चिर्म और अंदर से जो गंदगी निकलती हैं रोडों पे, जो आप कचरे की कुंडी पे डालते हैं, वो अंदर के हिस्से में डालें ताकि ऐसो बल्दिया वाले आकर उसे आसानी से उठा लें। ये गंदगी हर जगह फैलाने से एक वबा तो पहले से चल रही है कोरोना की, उसमें कई हजरात हमारे भाई बीमार हैं, इसलिए आप एहतियाती करें, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें कि बंद पन्नी में डालकर कचरे की कुंडी में डालें, एहतियात करें, ख़ुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। मैं मस्जिद तकिया मुग़ल फ़कीर की जानिब से और हमारे सदर मोहतरम अलहाज अब्दुल जलील ख़ान साहब की जानिब से मैं आप हजरात की खिदमत में ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।